क्या देख रही हो? कुछ नहीं, समंदर कितना अजीब है ना, बेहद निगाह तक फैला हुआ, कितनी गहराई होगी ना इसमें। समंदर, समंदर हमेशा किसी छुपे हुए राज की तरह लगता है। हर बूंद में अपनी कहानी होती है, हर लहर अपनी दास्तान सुनाती है। जब मैं पापा के साथ आया करता था ना सी साइड, तो वो हमेशा कहा करते, समंदर जितना बड़ा और गहरा होता है ना, इंसान का प्यार उससे भी ज्यादा होता है। क्योंकि समंदर की तो एक हद होती है, लेकिन प्यार की कोई लिमिट नहीं है। फिर प्यार होता है तो बेतहाशा, बेशुमार, बेपनाह होता है, वरना नहीं होता। अरे तुम तो किसी पागल आशिक जैसी बातें कर रहे हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा कलर है। अरे वाह, चॉइस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। हाँ, चॉइस तो वाकई मेरी बहुत अमेजिंग है। और उस हमजा को देखो, कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की स्टोरी बना रहा था। तुम मॉल यही लेने आए थे ना, अब आएगा ना तो उसे दिखाऊंगी। कितना अच्छा गिफ्ट दिया तुमने मुझे बर्थडे का, थैंक यू। बड़ी डीट हो रहा, तो तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करने देती और नफरत भी। चलो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। वो हाँ। तो कहते हैं ना, जब कभी खुद को समझाऊं कि तू मेरा नहीं, जब कभी खुद को यूं समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद इस गली की दूसरी जाने। कोई और रास्ता नहीं, मेरी इजाजत के बगैर समझा के साथ यहां क्यों आई? कितने घटिया बेजमीर इंसान हो, यहां मेरा बाप मर गया था, मुझे यहां लेकर आने के बजाय तुम खुद कहीं निकल गए। इसीलिए तो तुम्हें मौका मिल गया अपने पुराने आशिक के साथ मुलाकातें करने का, अपने मैं क्या कर। दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ यहां से। मत भूलो रानिया बेबी, अब तुम यतीम हो चुकी हो, अब तुम्हारा असल वारिस मैं ही हूं। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी तुम्हारे साथ ऐसा अकेले बाहर जाने की, पूरी नहीं होती थी वो, हमेशा बीच में आ जाता था, बहुत बुरा लगता था मुझे। तो तुम्हें क्या लगता आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है? अच्छी खासी बेशरम हूं। अपने शौहर के सामने अपने साबका आशिक का नाम ले रही हूं, उसे याद कर रही हो, अभी चंद माह ही तो गुजरे मेरे बच्चे को परे, बड़ी जल्दी तुम्हें सदमे से बाहर आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम खुद उससे जान छुड़वाना चाहते। एक कातिल के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। पहली बात सच कही थी, मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ अपनी, लेकिन तुमसे। जान तो मैं लेकर ही रहूंगा पक्का।
मेरे मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत से क्यों नहीं देती? एक बार कह दो ना, एक बार कह दो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं इतना मुश्किल क्या? मैं वो सब कुछ करूंगा फिर जो तुम कहो। एक बार भी तुमने मुझे जो उस नजर से नहीं देखा मेरी गुर्बत की वजह से। वो हमजा का सोशल स्टेटस मुझसे ज्यादा बेहतर है, मैं उसके सामने गरीब हूँ, सिर्फ इसलिए तो मुझसे मोहब्बत करती है। तुम बस एक बार मुझसे वैसे ही प्यार कर, तुम हमजा से करती है तुम्हारे आंखों की चमक में भूलता नहीं हूँ जो हमजा के लिए थी, तुम्हारी मोहब्बत जो हमजा के लिए थी ना भूला नहीं हूँ। वो मोहब्बत चाहिए ना मुझे, वही आंखों में चमक चाहिए मेरे लिए। मैंने सोचा था ये सारा मामला बड़े आराम से सुलह सफाई के साथ निपट जाएगा, लेकिन तुम आदत से मजबूर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता जब तक मामला ना बिगड़ जाए, है ना? तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी अम्मा को है ना रास्ते से हटा देते। नहीं, उनके साथ कुछ भी मत करना। गुड गुड गर्ल। तो फिर वैसे ही करो जैसे मैंने कहा है। तो तुम पर है कितने जल्दी इस कैद से रिहाई चाहती है। अभी अभी चाहिए मुझे रिहाई, अभी हमें निकालो इस कमरे से। थोड़ा सा वक्त और लगेगा मेरी जान, कागजात तैयार नहीं हुए, थोड़ा सा और वेट कर लो।